खबर लेने मौड़ मंडी तो मेंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब विच अकाली सरकार बनन ते कांग्रेस सरकार वालों किए घपलिया की जांच करके अफसरां ते लीडरां दे खिलाफ मामले दर्ज करन दी चेतावनी दित्ती है। हरसिमरत कौर बादल ने तलवंडी साबो विखे सब डिवीजन तलवंडी साबो दे शहीद बाबा दीप सिंह सिविल हस्पताल विखे 75 लाख रुपए की राशि नाल बनन जा रहे ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट की नींह पत्थर रखने लई पुजे हुए सन। हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार ते कोरोना महामारी दौरान लोगों लई प्रबंध की जगह कपले करन अते कमीशन खान दे दोष लगाए ने। उधर पत्रकारां नाल गलबात करदिआं हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार ते कोरोना महामारी दौरान सूबे विच लोगों लई कोई खास प्रबंध ना करन ते वैक्सीनेशन ते फतेह किट विच कपले करन दे दोष लगाए ने। उन्हां कहा कि पंजाब विच अकाली दल दी सरकार बनन ते कपले करन वाले अधिकारियों ते लीडरां दी जांच कीती जाएगी अते मामले भी दर्ज कीते जाणगे। आपां लगातार देखिआ हैगा कि पिछले 1.5 साल चों किवें दुनिया 'च ते देश विच करोना दी महामारी करके बहुत सारा नुकसान जान दा माल दा धंधे दा हरेक चीज़ दा लोकां नूं नुकसान होया है। तो जिथे हर देश ते सूबे दी सरकारां ने कोशिश कीतीआं ने कि वध तो वध सहूलतां दे के अपने लोकां नूं बचाया जाए, लेकिन अफसोस की गल कि कांग्रेस सरकार ने पंजाब विच इहो जे हालात पैदा किए ने कि लोग रब भरोसे ही इन्हां नूं छड्या होया, आप दी बचाव वास्ते आप ही हथ पैर मार रहे ने। कोई सरकार वालों एक उपराला तक नहीं, पिछले कुछ दिनों से 1.5 महीने से जिथे 15,000 मौत हुई ने पंजाब से, जिहड़ा नैशनल एवरेज मौत का होगा उस तो दुगने तो भी ज़्यादा, यही सीधे संकेत करता है कि सरकार ने अपने लोगों को बचाने वास्ते एक भी कदम नहीं चक्या। छोटी छोटी चीज़ों वास्ते लोग तरस के मर गए, सिंपल चीज़ की ऑक्सीजन दे बेड मिल जान, जान बचाने वास्ते वेंटिलेटर मिल जाए, लोगों को एम्बुलेंस ने ओवरचार्ज किया, दवाइया के ओवरचार्ज होए, हर चीज़ का लोगों ने झल के जे किसी की जान बच गई तो वो आप दे बलबूते च या परमात्मा की कृपा नाल सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन दुख इस गल का है कि 1.5 साल तो जिथे उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी दुनिया से चर्चा है तो देश में चर्चा है कि जिथे एक पासे ब्लैक फंगस से हुण पंजाब सब तो अगे आ गया है, सब तो वध केसेस हो रहे हैं। दूजी गल कि तीजी वेव की चर्चा जिहड़ी चल रही है कि इस तीजी वेव के नाल सब तो वध प्रभाव होगा बच्चों के उत्ते। तो जब मैं दोनों डीसीआं नूं फोन करके पूछा, हेल्थ सैकटरी पंजाब नूं पूछा भी तुसीं इहदी की तैयारी की है, तो दुख लग्या जब पता लगा कि कोई तैयारी नहीं, जिवें काम चल रहा सी बस उस तरह ही चली जा रहा। जिदे करके मैं हेल्थ सैकटरी नूं कहा कि घट तो घट ऑक्सीजन का इंतजाम करो, क्योंकि इस अपने हल्के च रोज़ किवें लोग तरसते सके ऑक्सीजन वास्ते, सवेर तो शाम तीन फोन आते सके किन्नियां दी मौत हो गई। किसी मापे नूं आपदे बच्चे नूं इस हालात च देखने वास्ते मैं लगता कोई माँ तो देख के ही मर जूगी जे अपने बच्चे नूं ऑक्सीजन वास्ते तरसते हुए देखना पे। तो मैं अपने MP लैंड तो एक PSA प्लांट ऑक्सीजन मैनुफैक्चरिंग प्लांट वास्ते 75 लाख का प्लांट इत्थे तलवंडी साबो च लग रहा हैगा, जिहड़ा मैं DC साहब नूं ते प्रशासन नूं सारे इत्थे बैठे ने उन्हां नूं बेनती करदी हाँ कि 30-35 दिनों के अंदर तुसीं इहनूं तैयार करो। इत्थे SDM साहब ने दस्सिया कि बिल्डिंग जिहड़ी बनदी, कमरा जिहड़ा बनना है वह 30 दिनों से तैयार कर देंगे। नाल दी नाल मैं SMO साहब नूं बेनती करदी हाँ अपनी मशीनों नूं ऑर्डर करके तुसी इंश्योर करो कि 30 दिनों के अंदर थोड़ी मशीन आ जाए ताकि ये सारा कुछ तैयार होकर लग जाए। आ नहीं कि 1.5 साल तुसी लटका दो तो करोना निकल के चले जाए, अज लोगों की जान बचाने की लोड़ है, हथ पैर ये भी प्रशासन भी मारे। तो मैं तो लगातार DC साहब नाल गल करांगी, इत्थे सिद्धू साहब भी यदि पूरी पैरवी करेंगे करे अगवाई करे। तो ये जिहड़ा कपैसिटी का 500 LPA का कपैसिटी का जिहड़ा प्लांट लग रहा है, ये 150 सिलेंडर रोज़ दे ऑक्सीजन दे भरे जाएंगे। सो 75 लाख रुपए के नाल इत्थे भर रहे, जिहदे नाल ये पूरा तलवंडी साबो इलाके च मैं उम्मीद करती हाँ कि किसी हस्पताल नूं ऑक्सीजन की घाट नहीं होनी चाहिए। इस तो इलावा पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मैं खुद करोना होया, हस्पतालों का हाल मैं देखिया, डॉक्टरों का तो नर्सी उन्हां दी मजबूरियां देखिया, दूजे पास पेशेंट्स का हाल देखिया, जिदे करके मैं रिफाइनरी वालों नूं इत्थे फोन करके उन्होंने भी मैं बेनती करके कि जे महाराष्ट्र की रिफाइनरी एकदम अपनी रिफाइनरी नूं कन्वर्ट करके ऑक्सीजन मैनुफैक्चर करके पूरे महाराष्ट्र से ऑक्सीजन दे सकती है, तो अपने इलाके से इन्नी वड्डी पूरे पंजाब की सब नॉर्थ इंडिया की सब तो वड्डी रिफाइनरी है, आपां क्यों नहीं कर सकते। सो इमीजिएटली
उन्होंने एक मशीन जिहड़ी भी दुनिया च रेडी मिलती सी उन्होंने इटली तो इंपोर्ट की है, वह मशीन उन्हों की लग गई हैगी। तो उस मशीन के नाल दिन च 70 सिलेंडर भर के रिफाइनरी दोगी। लेकिन इस तो इलावा खुशी की गल कि उन्होंने उत्ते दबाव पा के रिक्वेस्ट करके उन्होंने वड्डी मशीन भी ऑर्डर करती है जिहड़ी 25 दिनों में आ जाऊगी, जिदे नाल 700 सिलेंडर दिन दे भरे जाएंगे। तो ये वो अपने रिफाइनरी के नाल ही डायरैक्ट पाइपलाइन दे करके 100 बैड का L2 की एक वह भी उत्थे खोल के देंगे। सो मैनू लगता है ये तलवंडी साहब इलाके च बहुत वड्डी राहत मिलेगी, जिथे थानू कदे बठिंडा या चंडीगढ़ इत्थे उत्थे भजन की लोड़ नहीं होगी, लेकिन इत्थे ही लोगों नू ये सहूलत मिल सकेगी। देखो मैं प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल का शुकराना करती हाँ जिन्होंने इन्ना वड्डा जिहड़ा गरीबां दे नाल उन्हां दे जाना दे नाल खिलवाड़ हो रहा सीगा, क्योंकि अज वैक्सीन ही कल्ली एक वो साधन है जिन्हों लगा के शायद थानू इस बीमारी तो राहत मिल सकती है। तो जे सरकार नू 400 रुपये इस घट कीमत च वैक्सीन दिती कर इस करके दिती जा रही सी कि तुसीं मुफ्त लोगों नू लगाओ। तो इस माड़ी कांग्रेस सरकार ने ये 400 रुपए की दिती हुई मुफ्त लगन हुई वैक्सीन चे लोगों की जाना नू जोखम डाल के ये कमाई करन दा जिहड़ा काम किया, जिथे 160 रुपए के प्राइवेट हस्पतालों नू बेचता, जिहड़ा गां अगे 2500 की लगाई जा रहे हैं, 400 की वैक्सीन 2500 की किहड़ा गरीब लगा सकता है। गरीब के हक नू मारा तो उन्हों की जाना जोखम च लै। इस चीज़ को प्रधान श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल जी ने चक्या पुरजोर तरीके पूरे देश से खबर फैली। उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर नू भी ट्वीट करके उन्होंने कहा कि इमीजिएटली इनक्वायरी की जाए, तो साड़ी पार्टी दे प्रेशर करके इस सरकार नू ये रिवर्स करना पिया है। लेकिन जे इन्होंने फैसला वापस ले लेता ये गल नहीं लुकी छुपी जाती कि किवें इस मंत्री ने ते सरकार ने गरीबों का जाना दे उत्ते धंधा किया। जिहड़ी 40 रुपए की वैक्सीन 1060 रुपए की तुसी बेच रहे हो तो फिर ये 650 रुपए जिहड़ी तुसी जेब च पाए कि जेब च जा रहे हैं। उहदे बाद वो दो प्राइवेट हस्पताल जे 80,000 वैक्सीना दे विचों कल्ले 35,000 तो हेल्थ मिनिस्टर दी कॉन्स्टिट्यू मोहाली दे दो हस्पतालों से गए, तो वो 1060 की वैक्सीन 25-26-3,000 की बेच रहे हैं। तो मुनाफा करन वास्ते सरकार प्राइवेट हस्पतालों का मुनाफा क्यों करना चाह रही है? ये सीधे सीधे ये बहुत वाला वड्डा घोटाला हैगा, घपला हैगा। तो जिहड़े ये हेल्थ मिनिस्टर ते कैप्टन साहब की सरकार है जिते हर पासे घोटाले किए ने, कोविड के समय से लोगों की जाना के उत्ते जिस तरह इन्होंने खिलवाड़ करके करप्शन की है, उस तो दुखदायक गल ही तुसी तो वैक्सीन की गल कर रहे हो। इस तो पहले तुसी चंगी तरह जानते हो जिहड़े नशिया की गोलियां विच जिथे किन्ने लख 5 लख कि किन्ने लख गोलियां मिलिया सीगियां, जिथे इस सरकार का ते मंत्री का नाँ आता है। तो इस तो अलावा जिहड़ी होर वड्डी चीज़ उजागर हुई है जिहड़ा फतेह किट है, उन्हां फतेह किट से थानू हैरानी होगी कि जब इन्होंने फतेह किट का टेंडर कढ़िया तो सब तो घट जिस कंपनी ने दिता सी 700 कुछ रुपए का, उस कंपनी नू छड़ के पहली बारी तो उन्होंने तो माड़े मोटे किट ले लेते, लेकिन 50 दिनों विच 5 बारी रीटेंडर करके उस 700 का किट 1400 कुछ रुपए से करके 500-500 रुपए एक एक किट के उत्ते इन्होंने कमाए ने। 3.5 लाख किटा के उत्ते इन्होंने 17-18-20 करोड़ रुपए का करप्शन ये किया है। सो इस हेल्थ मिनिस्टर नू तो इमीजिएटली डिसमिस होना चाहिए है, ये उपर परचा दर्ज होना चाहिए है। लेकिन ये कुछ करन दे बचाए कैप्टन साहब यहोजे करप्ट मंत्रियों का डॉसियर जाके दिल्ली से ला के दिखा रहे हैं हाई कमांड नू, लेकिन उन्होंने उत्ते कोई एक्शन नहीं लै रहे क्योंकि इन्हें मजबूर हैं आप ही कुर्सी से बैठन वास्ते लोगों के पैसों के नाल ये मंत्री तो सरकार आपका जेब भरन का काम करे। तो मैं लोगों को अपील करती हाँ ये ना सोचो कि यह वैक्सीन चलो वापस आ जाऊगी साडा की है साडा नुकसान है, ये चीज़ा थोड़े पैसों के नाल कीतियां जा रही ने, इन्हों के उत्ते थोड़ा हक पाता है, ये मंत्री थोड़े पैसे खा रहे हैं। तो जे तुसी इन्हां नू अपने पिंडां च वड़न दोगे तो कांग्रेस नू जवाब नहीं पुछोगे, फिर इस तरह ही चलता रहूगा, कदे रेते का कदे शराब का कदे दवाइयां का कदे फतेह किट का कदे दिल्ली तो भेजे राशन का, हर चीज़ विच एक घपले करके आपकी जेबा भर रही ने। तो लोगों के हालात देखो अज पंजाब च की ने कि एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नू
75 लाख रुपए देने पै रहे हैं कि ऑक्सीजन लोगों को मिल जाए तो ऑक्सीजन ना जाना ना जान, ये करोड़ों के घपले कर रहे हैं लेकिन छोटी छोटी रकम का लोगों वास्ते इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। स्कैम की लगातार गल करो, एस सी एस टी से भी स्कैम होया जी, 73 लाख का होया, 2 लाख दलित भाईचारे नाल संबंध रखने वाले विद्यार्थी अज स्कॉलरशिप तो सखना हो गया, घर च बैठ के पढ़ाई नहीं अगे कर सके जी। नाले जिहड़ा स्कॉलरशिप का स्कैम की गल हुण जिहड़ा बहुत वड्डा असी पढ़िया कि 2 लाख तो वध एस सी गरीब बच्चे उन्होंने कॉलेज जोड़े है रोल नंबर नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने जी एस सी स्कॉलरशिप का हिस्सा बनता सरकार ने दिता नहीं। हालांकि केंद्र सरकार ने सूबे की सरकार को देता 80 करोड़ की, यह गल हैगी। तुसी देखो ये पहली बारी नहीं, आज नौजवान पीढ़ी गरीब परिवार के बच्चों के भविख के नाल कि खिलवाड़ 80 करोड़ का हुण, तो इनू याद रखो ये धर्मसोट के खिलाफ ही पिछले साल भी आही चीज़ आई सी जिते अफसर ने लिख के दिता सी कि एक गरीब स्कॉलरशिप दे उन्होंने कॉलेजेस नू जिन्हों देना चाहिए उन्होंने नहीं, अपने चहते 5-7 कॉलेज जिन्हों का हक ही नहीं बनता सीगा वह स्कॉलरशिप उत्थे डाइवर्ट करती तो उन्होंने की लैन देन होया होगा सारे जानते। एक बारी नहीं 2 बारी हो चुकी है क्योंकि मंत्री नू पता है कि मैं लुट्टी जावा, चीफ मिनिस्टर मैं कुछ कहना नहीं है क्योंकि कुर्सी से बैठन वास्ते चीफ मिनिस्टर नू अपनी अखा बंद करनिया होंदिया ने। सो ये गरीब बच्चों के नाल खिलवाड़ हो रहा है। कुछ ही दिन पहले तुसी देखा कि स्कूल के बच्चों नू वर्दियां वास्ते 8 करोड़ रुपए वंडे, मैं उस मंत्री दी मैं पढ़ी सी कि 8 करोड़ दी वर्दियां, अजकल ऑनलाइन क्लासा चल रही ने, स्कूल बंद है, 8 करोड़ दी वर्दियां देने दे बजाय तुसी ये ना बच्चों नू खाण पीन का समान जिहड़ा घर च इन्हां नू मिड डे मील कुछ नहीं मिल रहा है, इन्हां दी सेहत बनाओ कि तीजी वेव जिहड़े बच्चों की आऊगी उस वास्ते साडे गरीब बच्चे भी तकड़े होण, लेकिन वर्दियां दित्तियां जा रही ने। सो ये एक घोटाला चलता हैगा वर्दियों के नाल, जिथे भी इन्होंने किया होगा टेंडर वो की लैन देन, हर पक्ष किसी चीज़ को हाथ ला। श्रोमणी अकाली दल की सरकार परमात्मा की कृपा नाल लोगों के आशीर्वाद नाल जिस दिन बने ये एक एक घोटाले में जाके एक एक भावें अफसर होए भावें लीडर होए उन्होंने खिलाफ केस करके सलाखा में बंद करके और पैसे की वसूली करके लोगों का हक दिलाने वास्ते असी पुरजोर लड़ाई लड़ांगे। सेहत मंत्री इन्ना निकम्मा है कि उन्होंने पता ही नहीं लगता कि उन्होंने महकमे च की हो रहा है, जिथे फाइल साइन होके आ रही है वो महकमे का सैक्रटरी आदेश दे रहा सारे सिविल सर्जनस नू पूरे पंजाब दे कि थोड़े को जिन्नी वैक्सीन है तुसी वो प्राइवेट हस्पताल नू मुहैया कराओ, या फिर इस मंत्री नू इन्ना भी नहीं पता कि वो महकमे च वैक्सीन जिन्निया आई ने, कह रहा वैक्सीन कराना मेरा काम है लेकिन वैक्सीन आके 80,000 वैक्सीना में 35,000 कल हेल्थ मिनिस्टर के हल्के दे 2 प्राइवेट हस्पतालों से गए, वह भी नहीं उन्होंने पता, उन्होंने आ भी नहीं पता कि एक चीफ सैकटरी जिन्हों ट्वीट करना चाहिए तो कहना चाहिए लोगों को कि आ हेल्पलाइन नंबर है, जे थानू कितने बैड नहीं मिल रहा, जे थानू कोई दवाई नहीं मिल रही, जे थानू कोई हस्पताल ओवरचार्ज कर रहा है, कोई एंबूलेंस वाला थोड़े तो पैसे ज़्यादा कटवा रहा, तो इस नंबर से दसो असी एक्शन लवेंगे। ये ट्वीट करन दे बजाय प्राइवेट हस्पतालों की सेल्समैन बन के कह रही कि आ फलां प्राइवेट हस्पताल में असी देता 400 की वैक्सीन, तुम 900 से 1200 से असी बेच दी, उत्थे जाके 2500 की लगाओ, तो एक हेल्थ मिनिस्टर नू आ भी नहीं पता, तो नहीं पता हैगा तो हुण पता लगे हुण छड्डे एक्शन ले कैप्टन साहब कड्ढन इहोजे निकम्मे मंत्री नू, ते इस मंत्री दे अंदर जे कुछ भी इन्हां दे कोल कोई नैतिकता हैगी या कुछ मोरल इन्हां दा बंदा मोरैलिटी हैगी तो आप छड्ड दे कि मैं तो फेल हो गया, लेकिन इन्होंने ना इन्होंने छड़ना है तो ना कैप्टन साहब ने कढ़ना है क्योंकि इकट्ठे होके इन्होंने लुटना है। मौड़ मंडी तो हरमिंदर सिंह दी रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनियां कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ।
हुण तक लखां मरीज़ लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।